Hello student, welcome you in your YouTube channel Chemistry File. Today I am going to start class 12th chemistry chapter 15 title polymers. What is polymers? Polymers are high molecular mass substances consisting of large number of repeating structural units that derived from a simple molecules. Polymer एक वैसा सब्सटेंस होता है जो सिंपल मॉलिक्यूल के रिपीटेशन से फॉर्म होता है. बेसिकली पॉलीमर इज derived from two Greek words poly and mer. Poly means many. Mer means units, unit or part. ठीक है. Polymer derived हुआ है two Greek words से, poly and mer से. Poly का मतलब होता है many, mer means होता है unit. इसको simple unit भी कहते हैं. Simple unit. ठीक है. अब polymer मोनोमर से बनता है तो मोनोमर डिफाइन करते हैं. मोनोमर क्या होता है? बेसिकली मोनोमर वैसा सिंपल मॉलिक्यूल होता है जिसके रिपीटेशन से पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है. हम यू कह सकते हैं कि रिस्पेक्टिव पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है. तो रिस्पेक्टिव मोनोमर, अगर हम इथीन लेते हैं, इथीन अगर पॉलीमराइज हो जाए तो वो पॉलीथीन का फॉर्मेशन करेगा. तो यहां पे मोनोमर इट इज अ सिंपल मॉलिक्यूल दैट लिंक टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर. जो प्रोसेस होता है उसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं. मोनोमर फॉर एग्जाम्पल इथीन, प्रोपीन, एडिपिक एसिड, 1,3-butadiene, एक्सेट्रा. ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, मोनोमेरिक यूनिट होता है जिससे क्या होता है, पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है. मैं आपको बताना चाहूं कि क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन कॉमन पूछेगा कि राइट डाउन द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर. पॉलीमर दिया हुआ रहेगा, जैसे पॉलीथीन दे दिया तो उसका आपको मोनोमर पूछेगा. तो पॉलीथीन का जो मोनोमर होता है इथीन होता है. आगे इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे बहुत सारी बातों को, तो आपको पॉलीमर कंप्लीटली समझ में आ जाएगा. अब हम बात करते हैं पॉलीमराइजेशन की. पॉलीमराइजेशन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन
फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव मोनोमर दैट कैन बी ब्रैकेट में ये मैं आपको थोड़ा बता दूं दैट आर ज्वाइन या हम कहते हैं कि लिंक्ड बाय एडिशन और कंडेंसेशन। इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन एक एग्जांपल लेते हैं, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। एग्जांपल जैसे हो गया कि हमने इथीन लिया NCH2 double bond CH2, एन यहां पे नंबर ऑफ क्या है, मोल्स है। एन इथीन पॉलीमराइज होगा गिव्स पॉलीथीन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एन। एक और चीज बता दूं, जो ये पॉलीमर होता है इसमें जो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा वो मिनिमम 10^3 to 10^7 यू कंटेन्स होता है। सिंस पॉलीमर कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। पॉलीमर्स क्या होता है, इसको हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। पॉलीमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स हमने बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में भी देखा है कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स प्रोटीन सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट्स ये सब जो होता है स्टार्च ऑल दीज आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड दीज आर ऑल्सो पॉलीमर। आगे हम लोग बात करेंगे इसमें कि कैसे होता है। तो आप यहां देखिए कि NCH2 double bond CH2 पॉलीमराइज हो रहा है और ये बना रहा है, ये इथीन है और ये बन गया हमारा पॉलीइथीन, या फिर हम इसको सिंपली पॉलीथीन कहते हैं, TheNe पॉलीथीन भी कहते हैं, जो बैग हम लोग कैरी करते हैं वो पॉलीथीन। आगे जो है हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड बाय द फॉलोइंग 4 ways, चार तरीके से हम पॉलीमर को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, फर्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स या हम कह सकते हैं अवेलेबिलिटी। इसके बेस हम पॉलीमर्स को क्लासिफाई करते हैं।
तो पॉलीमर्स जो होता है इसके बेस थ्री टाइप्स का होता है, थ्री टाइप्स का पॉलीमर होगा। फर्स्ट नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर, द पॉलीमर विच आर ऑब्टेन्ड, द पॉलीमर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर लाइक प्लांट्स, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। वैसे पॉलीमर जो हमें नेचर से मिलता है, प्लांट से मिले, एनिमल से मिले, उसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल पॉलीमर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन, प्रोटीन, सेल्यूलोज, स्टार्च, रबर एक्सेट्रा, दीज आर द नेचुरल पॉलीमर। सेकेंड, सेकेंड इज व्हाट? सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर, इसे हम क्या कहेंगे? मैन मेड पॉलीमर कहेंगे। द पॉलीमर विच इज ऑब्टेन बाय द केमिकल रिएक्शन, केमिकल कॉम्बिनेशन, इज कॉल्ड सिंथेटिक पॉलीमर। द पॉलीमर, द पॉलीमर्स विच आर obtained by the chemical reaction, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं chemical combination, chemical combination, कंबाइन जब कर जाए, केमिकली जब मोनोमर कंबाइन कर जाता है, मोनोमर को कंबाइन कराया जाता है केमिकली, तो सिंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं। दैट इज मैन मेड पॉलीमर, दैट इज मैन, दैट इज मैन मेड पॉलीमर is called synthetic synthetic polymer। example की बात अगर हम करें, example हमारा क्या होगा? जैसे हो गया synthetic rubber, नायलॉन, डेक्रॉन, पॉलीथीन, स्टायरीन, पॉलीस्टायरीन, या फिर हम कहते हैं पॉलिस्टर, पॉली एस्टर, पॉलीअमाइड, दीज आर द सिंथेटिक पॉलीमर। थर्ड इज सी,
थर्ड जो होगा वो कौन सा होगा, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। जब नेचुरल पॉलीमर को केमिकल रिएक्शंस, नेचुरल पॉलीमर में जब केमिकल रिएक्शंस करवाई जाती है तो वो क्या होता है हमारा, सेमी सिंथेटिक होता है। जैसे मान लो कि सेल्यूलोज है, तो सेल्यूलोज का अगर नाइट्रेशन करा दिया जाए तो सेल्यूलोज नाइट्रेट मिल जाएगा, सेल्यूलोज का अगर एसिटाइलेशन करा दिया जाए तो सेल्यूलोज एसिटेट मिल जाएगा। तो ये जो पॉलीमर होते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, वैसे पॉलीमर होता है जो नेचुरल पॉलीमर को केमिकली रिएक्ट कराया जाता है, केमिकली उसे एक्टिवेट किया जाता है, तो उस तरह के पॉलीमर को हम क्या कहते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। द पॉलीमर्स विच आर द पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन बाय द केमिकल रिएक्शन विद नेचुरली अकरिंग पॉलीमर, नेचुरली अकरिंग पॉलीमर को जब केमिकल रिएक्शंस कराते हैं तो उससे बनता है। जैसे एसिटाइलेशन, सेल्यूलोज ऑन एसिटाइलेशन, सेल्यूलोज सेल्यूलोज ऑन एसिटाइलेशन गिव इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स सेल्यूलोज एसिटेट। दिस इज द सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेल्यूलोज एसिटेट। नेक्स्ट सेल्यूलोज नाइट्रेट भी मैंने आपको बताया कि सेल्यूलोज नाइट्रेट भी सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता है। जब अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, दूसरा सेकेंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी सेकेंड क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर के बेस्ड पॉलीमर का क्लासिफिकेशन। तो इसमें फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा लीनियर ए ले लेते हैं, इसे ए लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर कैसे बनता है, जब मोनोमेरिक यूनिट एक लॉन्ग चेन फॉर्म करे या स्ट्रेट चेन में कंबाइन कर जाए, लिंक्ड कर जाए, तो वो लीनियर क्या होता है, पॉलीमर होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल है, ये मोनोमेरिक यूनिट है, ये सारे मोनोमेरिक यूनिट क्या हो रहा है, कंबाइन कर रहा है, और ये स्ट्रेट चेन में या लॉन्ग चेन में कंबाइन कर रहा है, तो ये हो गया हमारा क्या, लीनियर पॉलीमर।
ये जो हो गया हमारा, ये क्या हो गया, लीनियर, यानी कि लीनियर पॉलीमर्स व्हेन सिंपल मॉलिक्यूल, व्हेन सिंपल मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन और स्ट्रेट चेन इज कॉल्ड लीनियर पॉलीमर, इज कॉल्ड अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो HDPE, आगे हम पढ़ेंगे HDPE क्या होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नाइलॉन 6-6, रेयॉन भी, ये सब जो होता है ये हमारा लीनियर पॉलीमर में आता है, जो भी है लीनियर पॉलीमराइजेशन में आता है। अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट है हमारा ब्रांच्ड पॉलीमर, जब लीनियर चेन ब्रांच से अगर ज्वाइन कर जाए यानी कि इसमें ब्रांचिंग हो जाए तो उस तरह के पॉलीमर जो होते हैं वो ब्रांच चेन होते हैं। When linear polymer join through a branch is called branch चेन पॉलीमर, इसे हम ब्रांच चेन पॉलीमर कहते हैं। इसमें जैसे हो गया हमारा LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ये हमारा ब्रांच्ड होता है। जैसे कि हमने ये स्ट्रक्चर में देखते हैं कि ये है स्ट्रक्चर हमारा, ये एक लीनियर चेन है, ये हो गया ब्रांच। ब्रांच चेन पॉलीमर हो गया, या फिर इसको इस तरह से भी ये हो सकता है, ये ब्रांच चेन पॉलीमर हो गया। नेक्स्ट जो होता है हमारा वो होता है इसमें थर्ड पार्ट,
सी क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर की बात कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी बेटे, क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर, दीज आर द पॉलीमर्स आर दी पॉलीमर्स इन विच मोनोमेरिक यूनिट्स called cross link or network polymer। जैसे हमने यही लिया, इसको अगर इस तरह से ज्वाइन कर दें तो ये यहाँ पे ज्वाइन हो गया, या फिर ऐसे ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट क्रॉस लिंक पॉलीमर। अब इसका जो एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल होगा बेकेलाइट, मेलामाइन फॉर्मल डिहाइड रेसिन, ये सब जो होता है ये हमारा क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है। आगे हम लोग बात करते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन की। थर्ड क्लासिफिकेशन हमारा है क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये जो हो गया हमारा, ये है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। हमारा इसमें टू टाइप का पॉलीमराइजेशन होता है, एक होता है हमारा एडिशन पॉलीमर और दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर को हम लोग सबसे पहले करते हैं। एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म बाय द
repeating addition polymers are formed by the repeated addition of monomeric units. जो मोनोमेरिक यूनिट्स होता है उसका एडिशन रिपीटेडली होता है, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद, यानी कि ये मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो अगेन एंड अगेन क्या होता रहता है, ऐड होता रहता है. तो ये जो होता है हमारा एडिशन पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होता है. अब एडिशन पॉलीमर में टू टाइप्स का पॉलीमर होता है, एक आपका होमो पॉलीमर और दूसरा होता है को पॉलीमर. एडिशन पॉलीमर में फर्स्ट होता है हमारा होमो पॉलीमर एंड सेकेंड इज को पॉलीमर. होमो पॉलीमर, होमो का मतलब होता है सेम, सिंगल यूनिट का, एक ही सेम तरह का मोनोमेरिक यूनिट जब क्या होगा अंडरगो एडिशन, देन क्या करेगा होमो पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा. तो व्हेन मोनोमेरिक सिंगल टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट अंडरगो एडिशन, व्हेन सिंगल टाइप ऑफ मोनोमेरिक या मोनोमर यूनिट undergo addition, then they obtain polymer is called homopolymer. And the process is known as homopolymerization. Example देखते हैं हम लोग. एग्जाम्पल में जैसे देखो आप, इथीन सिंगल टाइप है CH2 डबल बॉन्ड CH2. अगर ये पॉलीमराइज हो जाए तो ये क्या बना देगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये बन गया आपका पॉलीथीन. अगर हम लेते हैं प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यह है हमारा इथीन, ये मोनोमर है, नेम इथीन और स्ट्रक्चर ये हो गया प्रोपीन. और इसका जब n मोल्स का इसका क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा, तो ये फॉर्मेशन कर देगा क्या, CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड ये नीचे आ गया, ये ब्रांच बन रहा है. तो ये जो हो गया, ये हो गया पॉली प्रोपीन. इसी तरह से अगर हम स्टेरीन मॉलिक्यूल लेते हैं, स्टेरीन हो गया CH डबल बॉन्ड CH2, ये रिंग बेंजीन रिंग, इसका एन मोल्स पॉलीमराइज होगा तो ये बना देगा क्या, सिंगल बॉन्ड CH2 और ये आ गया हमारा रिंग आ गया. तो ये स्टेरीन है,
स्टेरीन, तो यहां पे क्या ये बन गया, पॉलीस्टेरीन, पॉलीस्टेरीन। ठीक है, देखिए एडिशन पॉलीमराइजेशन में हम अब को पॉलीमराइजेशन की बात करते हैं। को पॉलीमर it is formed by the addition of two different monomer, two different monomer का क्या होगा, एडिशन होगा, तो कोपॉलीमर्स का फॉर्मेशन होगा। अभी हमने दो एग्जांपल लिया था, तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, स्टेरीन है, चलो इसको यहां पे हम लेते हैं, एक 1,3-butadiene प्लस हमने लिया स्टेरीन, दो डिफरेंट मोनोमर है, तो इससे जो बनेगा वो बनेगा ब्यूना एस। यहां ब्यूना को आप समझें 1,3-butadiene और एस हो गया यहां पे स्टेरीन। इसका फॉर्मेशन देखिए, ये हो गया 1,3-butadiene CH2 double bond CH single bond CH double bond CH2, 1, 2, 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और 4 कार्बन है और अल्कीन है ये, तो ये हो गया 1,3-butadiene या ब्यूटा 1,3-diene भी कहते हैं, ब्यूटा 1,3-diene, तो 1,3-butadiene। और दूसरा जो हो गया वो हमारा हो गया स्टेरीन CH2 और ये हो गया स्टेरीन। तो ये जब पॉलीमराइज होता है, ये क्या होगा, पॉलीमराइज होगा, पॉलीमराइज होगा। तो यहाँ पे ये जो होता है फ्री रेडिकल एडिशंस होते हैं, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डेवलप होगा जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरह से, ये ऐसे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है और ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड इधर एक टर्मिनल्स बन जाएंगे बॉन्ड के, इधर टर्मिनल और इधर टर्मिनल हो जाएगा। तो और इसमें ये बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो ये ऐसे चेन बनता है, सैचुरेटेड कंपाउंड बेसिकली बनता है। पॉलीमर्स का जब फॉर्मेशन होता है तो अनसैचुरेटेड से क्या हो जाता है, जो लिंकिंग होती है वो सैचुरेटेड में लिंकिंग होती है। तो ये जो हो गया हमारा इस कंडीशन में, ये बन गया CH2 CH double bond CH single bond CH2 single bond। अब ये CH ज्वाइन होगा, यहाँ पे ये CH ज्वाइन हुआ सिंगल बॉन्ड CH2 और ये हो गया आपका, ये ऐसे इस तरह से, ये स्टेरीन का है तो यहाँ पे ये बेंजीन रिंग आ गया जो है ऑलरेडी कंपाउंड में। तो ये जो बना ये N मोल और ये भी N मोल है, तो ये पॉलीमराइज होकर के N यहाँ पे लगता है, तो ये हो गया आपका ब्यूना S। तो ये आपका है को पॉलीमर। नेक्स्ट मैकेनिज्म के थ्रू देखते हैं कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन जो होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जैसा कि हमने अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में कराते हैं तो भी फ्री रेडिकल होता है, अगर एंटी मार्कोनिको के प्रोसेस में अगर हम जाते हैं तो भी हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। तो एंटी मार्कोनिकोब में बेंजोइल परोक्साइड या कोई अदर परोक्साइड के प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन होता है। तो यहाँ पे जो एडिशन पॉलीमराइजेशन का अगर हम मैकेनिज्म देखेंगे, ये इन जनरल कैटलिस्ट जो इसमें यूज होता है वो होता है हमारा बेंजोइल परोक्साइड, एसिटाइल परोक्साइड, टर्ट ब्यूटाइल परोक्साइड, ये सब जो परोक्साइड होते हैं इसके प्रेजेंस में क्या होता है, मैकेनिज्म होता है। तो थ्रू मैकेनिज्म इसको कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन,
या हम कहते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। मैकेनिज्म में ये हो गया हमारा एडिशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन, या इसको हम कहते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ये हो गया जो मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म दिस पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ द पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक बेंजोइल परोक्साइड एसिटाइल परोक्साइड, टर्ट ब्यूटाइल परोक्साइड, इसके प्रेजेंस में ये पॉलीमराइजेशन होता है। तो मैकेनिज्म फॉलो मेन थ्री स्टेप्स, ये जो स्टेप्स होता है, फर्स्ट होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है प्रोपेगेशन, थर्ड होता है टर्मिनेशन। ये थ्री मेन स्टेप्स को फॉलो करता है। अब हम देखते हैं कि इनिशिएशन में क्या होगा। इसके बाद इसको मैं इरेज कर रहा हूं। थ्री स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन, इनिशिएशन जो होता है ये सारे फ्री रेडिकल जो होते हैं रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल के अंदर होता है। तो इनिशिएशन में ये हो गया हमारा बेंजोइल क्लोराइड, सॉरी बेंजोइल परोक्साइड C6H5C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं C6H5CO2, ये ऐसे भी लिखते हैं। तो ये जो होगा ये फ्री रेडिकल क्लीवेज हुआ, ये देखिए आप फ्री रेडिकल क्लीवेज होगा, ये जो फॉर्मेशन करेगा वो करेगा 2C6H5C डबल बॉन्ड O O रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है, दैट जनरेटेड बाय द होमोलाइसिस। और फ्री रेडिकल वैसे स्पीसीज होता है जिस पे ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, दैट इज फ्री रेडिकल। और ये हमारा हो गया C6H5C डबल बॉन्ड O O रेडिकल, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, इनकी क्लीवेज होगा तो ये बना देगा C6 फिनाइल रेडिकल H5 रेडिकल, अब प्लस रिलीज करता है CO2। ये इनिशिएशन स्टेप में होता है, इनिशिएशन में ये होता है, सेल्फ जो ब्रेकिंग होते हैं वो होता है। जैसे इथीन में इसको अगर मिलाया जाता है बेंजोइल परोक्साइड का, तो इथीन भी फ्री रेडिकल क्लीवेज में होगा और बेंजोइल परोक्साइड भी फ्री रेडिकल क्लीवेज में होता है। तो अब हम प्रोपेगेशन की बात करते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप होता है प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन में
हमारे पास है C6 फिनाइल रेडिकल C6 और प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये ब्रेक होगा इस तरह से, तो यहाँ रेडिकल जनरेट होगा, ये और ये रेडिकल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो इसमें अगर बॉन्डिंग होता है तो ये बनेगा C6H5CH2CH2 रेडिकल, ये जनरेट हो गया। अब ये फर्दर क्या करता है, वन मोर मोल, मेनी मोल्स ऑफ इथीन कंबाइन करता है। तो यहाँ पे फर्दर इसी में हम कर लेते हैं कि इसी में अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो फर्दर ये वही का होगा, यहाँ रेडिकल जनरेट, यहाँ रेडिकल जनरेट, तो ये कंबाइन करता है, तो C6H5CH2CH2CH2 जो टर्मिनल कार्बन होते हैं उस पर एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक्टिव रेडिकल्स होते हैं। अब यहाँ पे हम टर्मिनेशन देखते हैं, तो सी पार्ट जो हो गया ये हो गया टर्मिनेशन। तो यहाँ वो जो प्रोडक्ट मिला है उसको आप लीजिए C6H5CH2CH2CH2 रेडिकल, और इसी के मॉलिक्यूल से ये खुद कंबाइन कर जाएगा, तो प्लस ये हो गया CH2 रेडिकल CH2CH2CH2C6H5। तो इन दोनों के बीच क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा हमारा, C6H5CH2CH2। हम ऐसे भी ट्वाइस करके भी लिख सकते हैं, CH2 का ट्वाइस CH2CH2C6H5। तो ये हमारा क्या हो गया, ये मैकेनिज्म हो गया। अगर आपसे मैकेनिज्म पूछा जाता है कि एक यही मैकेनिज्म सिर्फ है, ये 2 मार्क्स में मैक्सिमम जो है सो पूछ सकता है। तो ये आपका मैकेनिज्म हो गया, इसको हम दूसरे तरीके से भी, दूसरे पॉलीमर्स के फॉर्मेशन में भी यूज कर सकते हैं, ये पॉलीथीन के फॉर्मेशन का है। तो आगे जो आते हैं हम लोग, आगे नेक्स्ट इसी में हम देखते हैं कि एडिशन पॉलीमर जो होता है, प्रिपरेशन ऑफ सम एडिशन पॉलीमर, प्रिपरेशन ऑफ सम एडिशन पॉलीमर, ये टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एडिशन का जितना भी पार्ट होगा उसको करेंगे, फिर कंडेंसेशन करेंगे, और फर्दर उसके बाद जो है हम लोग फोर्थ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में आएंगे। जो फोर्थ टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द मॉलिकुलर इंटरेक्शन, यानी कि फोर्थ का क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर जो है वो क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मॉलिकुलर इंटरेक्शन। उसमें भी हम टाइप्स देखेंगे, इलास्टोमर्स, थर्मो प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, और ये था क्या कहते हैं, फाइबर्स, ये हो गया इलास्टोमर, फाइबर्स, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक्स, ये इसके अंदर आता है। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको आपके सामने लेके आऊंगा उसमें प्रिपरेशंस ऑफ एडिशन पॉलीमर देखेंगे, उसके बाद उसमें कंडेंसेशन को हम कवर करेंगे, फिर फोर्थ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन की बात हम करेंगे। मैं स्टॉप यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लगता है शायद मार्कर का इंक जो है सो खत्म हो गया है, बहुत ही लाइट दिख रहा है। और आप इस वीडियो को प्रॉपरली वॉच करें, फुल वॉच करें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कोई कमेंट्स हो तो आप कमेंट्स करें, कहीं पे कोई सजेशन दे सकें तो आप सजेशन भी दें, ठीक है बच्चे, थैंक यू।